जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पर जो राजस्थान के नागौर जिले में 10 जून से रैली कटी आयोजित की जाने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है। एक नया बेच बना है, मैं बता देता हूँ, लगभग 250 से 300 के लगभग अभ्यर्थियों का ये बेच बना है। अब आपका रनिंग पॉइंट पर सारे अभ्यर्थी बैठे, यहाँ से आपकी रनिंग है वो स्टार्ट होने वाली। यही ट्रैक है जहाँ हर बार रैली भर्ती आयोजित की जाती है। तो आपको आप लाइव देख सकते हो कि पहले बंदे का कितना टाइम आ रहा है, लगभग 4:50 के लगभग पहला बंदा आ रहा है, 5:30 के लगभग सारे बंदे रनिंग में आ जाएंगे। आप यहां देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट से गो को बोलेंगे, जैसे बेस को गो बोलेंगे ये दौड़ने के लिए तैयार है सारे बच्चे। यहाँ देख सकते कम से कम 3 से 4 डिफेंस के अभ्यर्थी हैं वो एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे रैली ग्राउंड नागौर का ये रैली ग्राउंड है जहाँ 10 जून से यहाँ रैली भर्ती आयोजित होने वाली है इंडियन आर्मी की। यहाँ देख सकते हो इनको गो बोल दिया, ट्रैक से निकल गया, पहला चक्कर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लाइव टाइम देख सकते हो कि पहले अभ्यर्थी का कितना टाइम आ रहा है। अगर आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों, इसी तरह आप भी ग्रुप में रनिंग किया करो, ताकि इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जब आपकी रैली भर्ती होने वाली है तब आपको इसी तरह ग्रुप में दौड़ाया जाएगा, जिससे आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो पहला चक्कर ये चल रहा है, सुबह के लगभग 6:30 हो चुके हैं। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, और चैनल पर पहला टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको हर प्रकार की रैली भर्ती, ऑल इंडिया कहीं भी रैली भर्ती आयोजित की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मतलब आपको अपडेट मिल जाएगी, चाहे वो ऑल इंडिया हो, आर्मी की हो या टी आर्मी के साथ में पैरा मिलिट्री की कोई सी भी भर्ती हो। तो यहाँ आप देखिए जो मतलब पहला बंदा दूसरे टक्कर के एकदम नज़दीक पहुँचता हुआ, आप यहां टाइम देखिए लगभग 1:05 के लगभग पहला अभ्यर्थी यहां दूसरे चक्कर स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो किस प्रकार जो भीड़ थी वो अलग अलग हो गए, सारे बच्चे हैं वो खुल के दौड़ रहे हैं। यहां आप देख सकते हो लगभग 250 से 300 के लगभग अभ्यर्थियों का ये बेच बना हुआ है। ये दो नंबर दूसरा चक्कर है, यहाँ पे दूसरा चक्कर स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे दूसरा चक्कर स्टार्ट हो गया है। पहला बंदा तीसरे चक्कर के दूसरे चक्कर के जो एंडिंग पॉइंट है उसके नज़दीक पहुँचता हुआ, सुबह के 6:00 लगभग 30 से 40 मिनट के लगभग हुआ होगा। दोस्तों ये सुबह जल्दी के टाइम में लगभग 3 से 4 डिफेंसों का ये टाइम है, एक साथ बच्चों का निकाला गया है। अगर आपको भर्ती होना तो आप देख सकते हो आपको भी इतना टाइम निकालना होगा। अगर आपका 5:30-35 आ रहा है टाइम तो भी आपका सलेक्शन होने के 100% आसार है। अब ये तीसरा चक्कर स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट बंदा तीसरे चक्कर के बहुत ही नज़दीक पहुँचता हुआ, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग चल रहा है इनका। तीसरा चक्कर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तीसरा चक्कर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ आप देखो तीसरा चक्कर स्टार्ट हो चुका है, और लगभग अगर बात करें तीसरे चक्कर की तो यहाँ आप देख सकते हो लगभग सारे अभ्यर्थी है वो अच्छे दौड़ रहे हैं रनिंग में। तीसरा चक्कर स्टार्ट हो चुका है, मैं तीसरे चक्कर का आपको टाइमिंग भी बताऊंगा कि तीन चक्कर में कितना टाइम लग रहा है। आपका भी अगर इतना टाइम आ रहा है तो आप भी 4:50 से 5 मिनट के लगभग आप अपना टाइम निकाल सकते हो। यहाँ देखो सबसे आगे जो बंदा है जेपी जयप्रकाश जो लाडनू का है, सबसे बेस्ट टाइम उसी का आने वाला है, क्योंकि लगभग 3 चक्कर वही सबसे आगे है। हर बार की तरह इस बार भी वो हर बार रैली भर्ती में सुपर एक्सीलेंट आता है। मैं बता देता हूं आपको, दिखा भी देता हूं उसकी छवि दिखा देता हूं आपको। बेस्ट बंदा है वो तीसरे चक्कर के नज़दीक आता हुआ, यहां आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, बाहर का जो बंदे हैं वो भी दिखा देता हूं थोड़ा जूम करके। तीसरा चक्कर खत्म होता है, चौथे चक्कर के नज़दीक लगभग यहाँ देखो 3 चक्कर का टाइम, दोस्तों जेपी का 3 चक्कर का टाइम यह आया 3:40, मतलब अभी भी 1:20 पड़ी है अगर वो 5 मिनट में निकालता है, और लास्ट राउंड अगर वो 1:10 में निकालता है तो उसका टाइम 4:50 के लगभग यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो
जेपी जो जिसका पूरा नाम जय प्रकाश है, लाडनी तहसील का है, नागौर जिले का। बहुत ही अच्छी रनिंग करता है हर बार की तरह, इस बार भी ये बंदा एक्सीलेंट आने वाला है। नागौर भर्ती का आप इस ग्राउंड का सबसे टॉपर बंदा मान सकते हो इसे। दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। इंडियन आर्मी की अगर आप तैयारी करें तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चौथा चक्कर स्टार्ट हो गया, लास्ट एंडिंग चक्कर है। आप देख सकते हो चौथे चक्कर में लास्ट जो एंड पॉइंट है वहां पर फर्स्ट बंदा पहुंच रहा है, जेपी जयप्रकाश। यहां आप इसका टाइम देख सकते हो, यहां देख सकते हो दोस्तों, यहां 47, 48, 49, 50, 51, मतलब दोस्तों चार इक्यावन में फर्स्ट बंदा आ चुका है। अब देखो तो पास इसमें लगभग सारे बंदे, जितने भी बंदे सारे आ जाएंगे। अगर भर्ती होना है दोस्तों तो करनी पड़ेगी इस तरह बने। बहुत बढ़िया टाइमिंग आ रहा है, सभी डिफेंस के भर्ती है, लगभग 2 से 3 डिफेंस के भर्ती है। वीर तेजा डिफेंस अकेडमी नागौर, वीर तेजा डिफेंस अकेडमी नागौर, और साथ में बालाजी डिफेंस अकेडमी है मोला से की। यहाँ पर देख सकते हो तीनों डिफेंस के विद्यार्थी है लगभग। यहाँ आप देखते हो 5 30 में जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें आ चुके लगभग 100 से 150 के लगभग बच्चे आ चुके हैं। 250 से 300 का ग्रुप था ये, 5 45 में सारे विद्यार्थी आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ सारी जानकारी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ देख सकते हो बच्चे रनिंग करके आ गए, ये सारे अभ्यर्थी हैं, ये जो फर्स्ट जो मतलब है एक्सीलेंट ग्रुप में है, ग्रुप फर्स्ट के अभ्यर्थी है सारे। बड़ा बेहतरीन आ रहा है।